नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपको आपके अपने घर के अंदर किचन कहाँ नहीं होनी और कहाँ होनी चाहिए और उसके इम्पैक्ट इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि किचन है तो आपके यहाँ हर एक व्यक्ति का दिमाग गर्म रहेगा। कोई भी आपस में एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ईशान कॉर्नर से किचन को हटा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन को लेके जाएं, आपको बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त। किसी कारण से आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन को नहीं ले जा पाते हैं तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप कम से कम किचन के अंदर ही बर्नर को ईस्ट वॉल पे रख लें, जिससे कि आपका अपना फेस खाना बनाते हुए ईस्ट की ओर जरूर आ जाए, उससे भी इम्पैक्ट कुछ कम हो जाता है। इसी के साथ में आपके यहाँ किचन में भी कोई ना कोई विंडो जरूर लगी होगी, एग्जॉस्ट जरूर लगा होगा। जब भी गैस को ऑन करें उस एग्जॉस्ट को चला दें। ऐसा आप करते हैं तो भी आपके यहाँ इम्पैक्ट कम हो जाएगा। किस चीज़ का? आपस में जो मनमुटाव रहता है, एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते और गलत डिसीजन लिए जाते हैं। क्या करने से? गैस को ईस्ट वॉल पे शिफ्ट करने से, यदि नॉर्थ वॉल पे है या वेस्ट वॉल पे है या साउथ वॉल पे है तब भी। इसी के साथ में एक काम और करना है जो मैंने आपको बताया है, एग्जॉस्ट फैन का और चिमनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। किचन के अंदर हीट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वो गर्मी जितनी भी है गैस ऑन करने से, गैस जलाने से गर्मी इकट्ठी होती है, वो सारी के सारी ही बाहर निकल जाए। इसी के साथ में आपके यहाँ पे किचन का जो फर्श है वो आधा पौना एक इंच नीचे है, तो उस फर्श की आपने धुलाई करनी है। ऐसा आप करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। और किचन को यदि आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाते हैं तो उसका क्या कहना है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ ईस्ट कॉर्नर में, अग्नि कोने में ही किचन को होना चाहिए। ये मैंने आज आपको जानकारी दी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोने में किचन होने के क्या प्रभाव रहते हैं। आपके यहाँ नॉर्थ जोन में, यानी कि कहाँ पे उत्तर के भाग में किचन बनी हुई है और नॉर्थ वॉल पे ही, उत्तर की दीवार पे ही आपका अपना चूल्हा रखा हुआ, गैस रखी हुई है, तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ पैसे का ठहराव तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। पैसा आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पैसा आ रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, हमेशा ही जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। कहीं भी पैसा आपका खर्च हो, पैसा खर्च होगा। आप चाहे व्यापार करते हैं या आप दुकानदार हैं या आपने फैक्ट्री लगा रखी, आपके यहाँ पैसा आने से पहले खर्च हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपनी इस किचन को यहाँ से उठा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाएं। एक चीज़ और है, पैसे के साथ साथ नॉर्थ में, नॉर्थ जोन में किचन होने से, गर्मी होने से हेल्थ भी खराब रहे, कहीं ना कहीं हेल्थ को ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। नॉर्थ जोन में किचन होने के कारण जब कभी भी आपके यहाँ ऑपरेशन होने शुरू हो जाते हैं तो लाइन लगा के ऑपरेशंस होते चले जाते हैं, यानी कि तबीयत खराब रहेगी और डॉक्टर्स के पास हमारा रेगुलर जाना लगा रहेगा, मेडिसिन परमानेंट बन जाएगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपनी इस किचन को यहाँ से उठा के साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ में जब तक किचन वहाँ नहीं शिफ्ट होती है, आप गैस को, बर्नर को नॉर्थ वॉल से हटा करके ईस्ट वॉल पे शिफ्ट करें और साथ में जो आपके यहाँ किचन के अंदर विंडो लगी हुई है उस विंडो में आप एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। एग्जॉस्ट फैन लगाने से क्या होगा, जब आप उसको एग्जॉस्ट को चलाएंगे तो जितनी भी किचन के अंदर गर्मी इकट्ठी होती है वो सारी की सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी। आपने चिमनी का और एग्जॉस्ट फैन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कब तक के लिए? जब तक आपकी अपनी किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में शिफ्ट नहीं हो जाती है या आप अपना घर नहीं बदल लेते, क्योंकि नॉर्थ में किचन होने से आपके अपने बच्चों के करियर में भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, फाइनेंस का ठहराव नहीं होता है, पैसा आता बाद में जाता पहले है, साथ में हेल्थ भी साथ नहीं देती, शरीर भी साथ नहीं देता है,
बीमारियाँ भी बनी रहती हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कोशिश करें किचन को शिफ्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किचन को किसी कारण से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, कम से कम ये 2-3 उपाय हैं, ये जरूर कर लें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना है, चिमनी का इस्तेमाल करना है, गैस को उठा के आपने स्टोव पे शिफ्ट करना है, और साथ में जो किचन का फर्श है वो आपके अपनी नॉर्मल लॉबी के फर्श से, नॉर्मल फर्श से आधा पौना इंच जरूर नीचे होगा। उस फर्श के दिन में 2-3 बार धुलाई जरूर करनी है। ये मैंने आज आपको जानकारी दी किचन की 2 जोन के बारे में। ईशान कोने में यदि आपके यहाँ किचन होती है और नॉर्थ जोन में उत्तर के भाग में आपकी अपनी किचन होती है, तो आप वास्तु में रुचि रखते हैं, वास्तु को और ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इसको मंगवा कर पढ़कर वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो लेआउट मैप नक्शा भेजकर हमसे सलाह भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट का लेआउट मैप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं, और अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट भी कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में और दिशाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किचन कहाँ होने से क्या प्रभाव मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको और दिशाओं में किचन होने के क्या प्रभाव हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।